क्लास 11th बिजनेस स्टडीज जानेंगे आज इंटरनल ट्रेड चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक्सप्लेन करेंगे आपको डिटेल मैनर में ताकि कोई डाउट ना रहे आप लोगों को। आप है आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आने जा रहा है, नेम द टैक्स विच कंबाइंस ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको बताना है ऐसा कौन सा टैक्स है जिसने सारे इनडायरेक्ट टैक्स को कंबाइन कर लिया, सब समड कर लिया, इकट्ठा कर लिया। क्या वो वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स, सेल्स टैक्स है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, या फिर एक्साइज ड्यूटी है। सोच समझ के जवाब देंगे और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। इसका सही जवाब है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 1 जुलाई 2017। डोंट फॉरगेट, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन टू, गुड्स विद माइनर डिफेक्ट्स आर सोल्ड एट। ओके, ऐसे गुड्स जिनमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है कहां बिकते हैं, सेकेंड हैंड गुड शॉप पे, सेकेंड शॉप पे, जनरल स्टोर पे, या कहीं पर भी नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग ही जानते हैं, इसका सही जवाब है सेकेंड हैंड गुड शॉप। यही वो जगह है जहां पर ऐसे गुड्स बिकते हैं जिनमें माइनर डिफेक्ट होता है या फिर यूज होते हैं ऑलरेडी। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन थ्री, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस ऑन डैश। आपको बताने जीएसटी कब आया था, क्या जीएसटी 22 जनवरी 2017 में आया, 1 जुलाई 2017 में आया, 24 मई 2017 में आया, या फिर 15 अगस्त 2017 में आया। सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, इसका अभी मैंने जवाब दिया, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर फोर, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल्स। ओके, जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिलर्स का हेड कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कौन है जो जीएसटी काउंसिल की सारी मीटिंग्स को, जीएसटी से रिलेटेड सारे डिसीजन लेने का अधिकारी है, हकदार है, कौन है वो आखिर जो पूरे देश को बताता है जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, कितना पैसा इकट्ठा हुआ इस महीने जीएसटी के थ्रू, कौन है वो, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है, या फिर कोई भी नहीं है। जवाब आप ही देंगे इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं और आप मुझे जवाब देंगे कहां पे, कमेंट सेक्शन में जाके, कि इसका सही जवाब क्या है। ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, कौन है जो जीएसटी से रिलेटेड सारे डिसीजन लेता है, आपको बताता है कितना जीएसटी का कलेक्शन हुआ, कितना नहीं हुआ, आप बताएंगे इन तीन में से कौन सा ऑप्शन है, याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीएसटी इज नॉट चार्ज ऑन डैश। आपको बताना है इनमें से किस चीज पर जीएसटी नहीं लगता, एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर, इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स पर, या इनमें से किसी पर भी नहीं लगता। तो बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को, हमेशा याद रखना जीएसटी कभी भी एक्सपोर्ट पे नहीं लगता, ठीक है। और अगर कोई ऐसा सामान है जिस पे जीएसटी लग रहा है तो गवर्नमेंट ने ड्यूटी ड्रॉबैक का ऑप्शन दिया है कि जितना भी जीएसटी लगेगा वापिस आ जाएगा, मतलब चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। इंपोर्ट पर जीएसटी लगता है, इंटरनल मतलब जब मैं एक जगह से दूसरी जगह गुड्स भेजता हूं इंडिया, इंडिया के अंदर, तभी जीएसटी लगता है, लेकिन एक्सपोर्ट पे कभी जीएसटी नहीं लगता, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर सिक्स, देयर इज सेंट्रलाइज परचेज एंड डिसेंट्रलाइज सेल इन डैश। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर सारी परचेजिंग तो इकट्ठी होती है लेकिन माल बेचा जाता है अलग अलग जगह से। सोच समझ के जवाब देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर पता है बहुत अच्छे से। इसका सही जवाब है डिपार्टमेंटल स्टोर, काफी इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंटल स्टोर का फीचर है बकायदा ये कि डिपार्टमेंटल स्टोर में एक खासियत है कि जो परचेजिंग होती है सेंट्रलाइज्ड, कंपनी जिनके द्वारा रन करे जाते हैं सारा माल वो खरीदती है और बेचने का अधिकार है सारे अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर को, काम दे रखा है कि भैया आप ही बेचो, बेचने की जिम्मेदारी आपकी। तो इतने बल्क में खरीदते कि सामान बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन सेवन, द रिटेलर्स हैविंग नो फिक्स प्लेस ऑफ सेलिंग आर कॉल्ड डैश। आपको बताना है ऐसे रिटेलर जिनके पास कोई फिक्स जगह नहीं है माल बेचने के लिए, उनको क्या कहते हैं, वेंडर्स, सेलर्स, इटिनरेंट रिटेलर्स। जवाब आपको बताइए, इसका सही जवाब है इटिनरेंट रिटेलर्स। ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं अपना सामान बेचने के लिए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इटिनरेंट रिटेलर्स, डोंट फॉरगेट, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द रिटेलर्स हु सेल देयर गुड्स इन वीकली मार्केट्स आर नोन एज डैश। आपको बताना है ऐसे रिटेलर्स जो वीकली मार्केट में अपने गुड्स बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, हॉकर्स,
पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, चीप जैक्स या फिर स्ट्रीट ट्रेडर। देखो हॉकर्स है, नहीं हॉकर्स तो वह साइकिल पे सामान बेचने वाले, बुलेट कार्ट पे बेचने वाले, ठीक है। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर बताता हूँ, चीप जैक्स हो गए जो किसी भी एक जगह पे है टेम्पररी टाइप की शॉप खोल के खड़े हुए हैं, जैसे पान का खोखा टाइप, ठीक है। और स्ट्रीट ट्रेडर हो गए जो किसी भी बिजी स्ट्रीट पर नीचे अपनी चटाई वगैरह बिछा के, कपड़ा बिछा के माल बेचते हैं, जैसे आज के टाइम में यू नो पीनट्स बेचने वाले लोग, ठीक है, ये सारे आते हैं। तो इसका सही आंसर है पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स वो होते हैं जो अलग अलग पीरियड के बेसिस पर, वीकली बेसिस पर अलग अलग जगह पे जाते हैं, मंडे को कहीं, ट्यूसडे को कहीं, थर्सडे को कहीं, फ्राइडे सैटरडे, हर जगह अलग अलग जाके माल बेचते हैं। सो दीज आर कॉल्ड पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 9, शॉप्स हैविंग सेम इंटीरियर एक्सटीरियर एंड सेल एट यूनिफॉर्म प्राइस आर कॉल्ड डैश। ये आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, ऐसी शॉप्स जो इंटीरियर सेम है, एक्सटीरियर सेम है, सबके प्राइस भी सेम है, उनको क्या कहते हैं? ऐसी शॉप्स को हम कहते हैं चेन स्टोर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे। इनके प्राइसेस सेम होते हैं, वैरायटी सेम रहती है इनकी, और ये इनकी खासियत है, इसलिए इनके ऑपरेशंस में इकोनॉमी है, प्रमोशन के इकोनॉमी है, क्योंकि इतने बल्क लेवल पे सारा सामान प्रमोशन का इकट्ठा ही कर लेते हैं, ठीक है। जो भी डिस्प्ले करना है इंटीरियर एक्सटीरियर पर, वो सब सारी शॉप का इकट्ठा लेते हैं, इसलिए इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केमिस्ट शॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। केमिस्ट शॉप क्या है? क्या ये जनरल स्टोर है, स्पेशलिटी स्टोर है, स्ट्रीट शॉप है, या नन ऑफ द अबव? तो बच्चों केमिस्ट स्टोर हमारा है स्पेशलिटी स्टोर, जिसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगी, दवाइयाँ। तो उसकी दवाइयों की स्पेशलिटी है और कुछ नहीं है, डेट इज कॉल्ड अ स्पेशलिटी स्टोर, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन 11, मंडे मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इटिनरेंट। ओके, मंडे मार्केट में जो शॉप लगाने वाले लोग हैं वो किस चीज़ से एग्जाम्पल रहते हैं हमारे, ठीक है। सो हॉकर्स एंड पेडलर्स हैं, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स हैं, स्ट्रीट ट्रेड हैं, चीप जैक हैं, ये मैंने आपको भी बताया। इसका सही जवाब है जो डे वाइज अलग अलग जगह पर शॉप लगाते हैं उनको हम कहते हैं क्या, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, डोंट फॉरगेट। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन डैश। ओके, होलसेलर किसके बीच में लिंक है? तो एक होलसेलर माल लेकर आता है मैन्युफैक्चरर से और आगे माल देता है किसको, रिटेलर को। सो होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर एंड अ रिटेलर। होलसेलर बाय गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड स्मॉल क्वांटिटी में आगे गुड्स सेल आउट करता है किसको, रिटेलर को। रिटेलर आगे और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स बेचता है किसको, कस्टमर को। सो हमारा जो होलसेलर है वो लिंक है किसका, आपको पता चल चुका है, दैट इज अ मैन्युफैक्चरर एंड अ रिटेलर। डोंट फॉरगेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सर्विसेज ऑफ अ होलसेलर, सर्विसेज ऑफ रिटेलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। और इस चैप्टर के भी फाइनेस्ट कंटेंट के लिए आप हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। जल्दी जल्दी सबको चैनल सब्सक्राइब करा दो, क्योंकि आपको बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट और बहुत सारे अमेजिंग सैम्पल्स मिलेंगे कहाँ पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।